दोस्तों नमस्कार दोस्तों, ए बायोटोरियम परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज हम फिर आपके साथ कनेक्ट हो गए हैं और थंबनेल में आपने बिल्कुल ठीक देखा, एक लीडर ऐसा जिसने 9 महीने में कमाए 22 लाख, है ना। चलिए मैं दोस्तों कनेक्ट करना चाहूँगा हमारे विजय शुक्ला जी के साथ। विजय शुक्ला जी, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका आभार है और कनेक्ट करने के लिए सर धन्यवाद, मोस्ट वेलकम है सर हमारे व्यूवर्स के साथ। थैंक यू सर। विजय शुक्ला जी, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, जहाँ तक व्यूवर्स ने काफ़ी आपके इंस्टा कुछ वीडियोस देखे हैं और कंपनी में आपने स्टार्टिंग टाइम में ही बहुत अच्छे अचीवर रहे हैं, लेकिन लोगों को आपके बारे में अभी तक भी कुछ पता नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि थोड़ा सा कनेक्ट करने से पहले कि अपने परिवार और बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं सर। एक्चुअली मैं पाली से हूँ, पाली राजस्थान में आता है और जोधपुर के पास में एक छोटा सा जिला है पाली, मैं वहाँ से हूँ। लगभग मेरी 18 साल की जब मेरी एज थी तब मैंने नेटो मार्केटिंग में ज्वाइन किया था, लगभग सन है 2016 की बात है ये। और मज़े की बात है कि जब गाइडलाइन आई थी नेटो मार्केटिंग के ऊपर तब मैं नेटो मार्केटिंग में ज्वाइन हो चुका था। अच्छा। और एक्चुअली मुझे लगभग इस इंडस्ट्री में हो चुके 6 साल। अच्छा। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ और मेरी फैमिली को बिल्कुल भी अलाउ नहीं था कि नेटो मार्केटिंग करें, लेकिन मेरी मम्मी का मुझे बहुत सपोर्ट रहा है। अच्छा। मेरी माँ ने मुझे कभी इस चीज़ के लिए मना नहीं किया और पिताजी ने हमेशा सपोर्ट किया। मम्मी ने जो बोलते पापा के लिए फाइनल है, तो पापा मम्मी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, कभी प्रेशर नहीं किया कि तू कुछ और कर ले, स्टडी कर ले। मैं एक्चुअली स्टडी में बहुत वीक था, तो मुझे लगा कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं और प्राइवेट जॉब मैं कर पाऊंगा नहीं और बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, तो मुझे बीच का रास्ता चाहिए था, बीच का रास्ता, और नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली बीच का रास्ता है, राइट? बिकॉज कि जॉब और बिजनेस को अगर मिलाते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग बनता है। बिल्कुल सर। तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था और 6 साल जर्नी कंप्लीट कर ली और फाइनली अभी ई बायोटोरियम कर रहा हूँ मैं 9 महीने से। क्या बात है सर, आपने बहुत अच्छा बताया सर। ई बायोटोरियम में आपकी शुरुआत कैसे हुई और आपने अब तक ई बायोटोरियम की जर्नी में क्या कुछ समझा और कितनी अर्निंग की सर, हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली ई बायोटोरियम का प्लान मेरे पास में 1 साल पहले आया था, पाली के एक लोकल व्यक्ति ने मुझे प्लान दिखाया था। जी सर। लेकिन एक्चुअली क्या है, वो काफ़ी टाइम से वो हर 3 महीने कंपनी चेंज करते हैं, तो मुझे उनका प्लान में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आया। लेकिन आज से उसके बाद 1 साल बाद ई बायोटोरियम का प्लान मेरे पास में किसी व्यक्ति के जरिए आया, तो मैंने सुन रखा था पहले से ई बायोटोरियम, मुझे लगा कंपनी अभी भी चल रही है। अच्छा। उसमें कंपनी स्टार्ट हुई थी तो मैंने कहा चलो नई कंपनी है, क्यों रिस्क ले। लेकिन उस कंपनी ने 1 साल में अच्छा खासा ग्रोथ कर लिया और जिस व्यक्ति ने मुझे प्लान दिखाया उस व्यक्ति का कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मुझे प्लान में इंटरेस्ट था, तो मैंने उनके अपलाइन से कॉन्टैक्ट किया और उनके अपलाइन जो है वो अजय गायकवाड़ है, जो मेरा अपलाइन है प्रेजेंट टाइम में, तो मुझसे मिलने वडोदरा से पाली आए और मेरे ऑफिस से मुलाकात करी, मैंने प्लान देखा और रात को 11 बजे मैंने डिसीजन लिया और वो डेट आई थिंक थी 14 जनवरी 2022 मैंने स्टार्ट किया इस कंपनी को। जी जी, चलिए बढ़िया सर। अच्छा मेरा एक सवाल था सर, आपने एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, मैं स्टेटस में देख रहा था कि अब तो सवाल ये नहीं कि ई बायोटोरियम क्यों करें, बस सवाल ये है कि ई बायोटोरियम आपके साथ ही क्यों करें। नहीं सर, सवाल ये नहीं था, सवाल मुख्य चीज ये था कि नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि सवाल ये नहीं है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। अच्छा। सवाल ये है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग आपके साथ क्यों करें। अच्छा अच्छा सर। और इसका जवाब 99% नेटवर्क मार्केटिंग वाले लीडर नहीं दे पाते। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे सर, व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं उसका मतलब रीजन क्या। एक्चुअली देखो गाइस, उसका रीजन ये है कि जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग वाले आपके पास अब तक आए हैं प्लान दिखाने, उन्होंने कभी भी अपना पेआउट नहीं दिखाया, अपने पेआउट की बात नहीं करी, सर आप लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, गाड़ी घोड़ा आ जाएगा, और फलाना फलाना कोई लीडर दिल्ली का मुंबई का उसने इतना पेआउट लिया, उन्होंने अपना पेआउट नहीं बताया। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि सवाल ये नहीं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, सवाल ये है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग आपके साथ क्यों करें, क्योंकि ये 2022 चल रहा है, ये 1996 नहीं है, ये 2005 नहीं है, 2010 नहीं है, ये 2022 है। तो यहाँ पर अगर आपका पेआउट नहीं है, आपका अचीवमेंट नहीं है, तो आप किसी व्यक्ति को क्या प्लान दिखाएंगे, क्या मोटिवेट करेंगे? सिंपल सी बात है, जनता होशियार हो चुकी है, सही बात, पब्लिक सब जानती है। अच्छा सर, आप कामयाबी की बात तो कर रहे हैं कि लोग आपके साथ क्यों जुड़े, तो एक सवाल मेरा भी है कि आपने भी ई बायोटोरियम में भी 9 महीने कंप्लीट कर चुके हैं जी, और अर्निंग आपने मुझे तो शेयर करी, लेकिन व्यूवर्स को भी बताएं कि आपने पिछले 9 महीनों में कितनी अर्निंग की सर। ओके, एक्चुअली मैंने 14 जनवरी को आईडी लगाई थी, किट लिया था मैंने, और वो किट मैंने मम्मी को दी यूज करने के लिए, और फाइनली 3 फरवरी तक मम्मी को रिजल्ट मिला हल्का सा, और मैंने 11 फरवरी से कंपनी में वर्किंग स्टार्ट करी, क्योंकि इससे पहले मैं एक्स कंपनी में था, जिस कंपनी में पिछले 4 साल से स्ट्रगल कर रहा था, और 4 साल लगभग मैंने 10 फरवरी को मैंने रिजाइन दिया। एक सेकंड सर, 4 साल में वहाँ हाईएस्ट पेआउट कितना रहा आपका? सर 4 साल में मेरा जो हाईएस्ट पेआउट था वो था 87,000 का, और 87,000 में मुझे बड़ी मुश्किल से आया था। अच्छा। और उसके बाद वो 87 दोबारा नहीं आया, वो गिरता गया। ठीक है ठीक है। और एक्चुअली मैंने 14 जनवरी को आईडी लगाई थी, 11 फरवरी से मैंने काम चालू किया, और अभी 11 दिसंबर को मेरा 10 महीना पूरा होगा, यानी अब तक मुझे हुए हैं 9 महीना और कुछ 21 दिन हुए जो हुए हैं। टोटल जो मेरा पेआउट है वो लगभग 22.5 लाख रुपए है, और पब्लिक को मुझे पता है ट्रस्ट नहीं होगा, बहुत सारे कमेंट करने वाले हैं, है ना, तो आप क्या करना कि लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मेरा जो पेआउट का स्टेटमेंट है वो डाल देना, मैं कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा,
चलेगा, जिसको प्रूफ चाहिएगा वहां पे देख ले, प्रूफ चाहिए व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको अपना पीडीएफ फाइल भेज दूंगा स्टेटमेंट का। तो मैंने 22.5 लाख कमाए हैं 9 महीने कुछ दिनों के अंदर, ये और बात सच है। बिल्कुल सर बिल्कुल, और मैंने तो सर आपकी स्टेटमेंट देखी है और इसी वजह से, और व्यूवर्स को मैं बता दूं कि विजय भाई के साथ मेरी दोस्ती जो थी 2 साल पुरानी थी, ठीक है, और इसका एक वीडियो अलग से मिलेगा कि विजय भाई और हमने हाथ क्यों मिलाया डायरेक्ट सेलिंग में, एक साथ काम करने का निर्णय क्यों लिया, क्योंकि एक लंबी जर्नी रही, 6 महीने तक हम वॉच करते रहे एक दूसरे को, एक मतलब होता है ना प्यार मोहब्बत वाला वो रहा कि मैंने इनको देख लिया, इन्होंने मेरे स्टेटस देख लिया, मैंने इनके देख लिए, चलता रहा, लेकिन एक टाइम के बाद डिसीजन लिया। चलो वो अलग टॉपिक का हिस्सा है। अच्छा विजय भाई एक बात, एक सवाल मेरे को वो खा रहा था, क्योंकि जब मैंने अभी ई बायोटोरियम में अपनी जर्नी शुरू की तो मेरे वीडियोस लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, लेकिन मैं पूछना चाह रहा था आपसे, आपने भी ई बायोटोरियम शुरू किया जी, तो डायरेक्ट सेलिंग के दौर में आपको काफ़ी बार नेगेटिविटी आई होगी, ऐसा लगा होगा कि शायद मैं अपनी वो क्वालिटी नहीं रखता और मुझे डायरेक्ट सेलिंग छोड़ देना चाहिए, क्या आपको ई बायोटोरियम में आने के बाद भी कोई चैलेंज आया? देखो ई बायोटोरियम में आने के बाद चैलेंज तो आया, लेकिन कि जो मेरा पास था 6 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस था दूसरी कंपनियों में, वहां तो मैं रोया भी हूँ, नेगेटिव भी हुआ हूँ, कई बार जीरो हुआ हूँ, टीम में कई बार छोड़ के गई है, अपलाइन से रिलेशन खराब हुआ है, कंपनी में कई बार बहस हुई है, यानी बहुत दिक्कतें आई वहाँ पे, और वहाँ मुझे लगा था कि यार मुझे नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देना चाहिए, मुझे ऐसी फीलिंग भी आई थी, और काफी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे मार्केट के अंदर, दोस्ती यारी खत्म हो गई थी, लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया था, आज भी लोगों ने ब्लॉक कर रखा होगा, है ना, तो काफी रिश्ते खराब हो गए थे, मुझे लगा कि यार नेटवर्क मार्केटिंग मुझे छोड़ देना चाहिए। उसका रीजन है कि जो ड्रीम मैंने देखे वो 6 साल होने को आगे पूरे नहीं हुए, ना कार आई, ना लाख रुपये महीना आया, ना मैंने कोई विदेश यात्रा करी, मतलब कोई भी बड़ा ड्रीम मैंने अचीव नहीं किया, बस वही मेरी बाइक थी सुपर स्प्लेंडर, 6 साल से उसी में घूम रहा था मैं, चक्के भी चन्नी हो रहे थे उसके, ठीक है। तो एक्चुअली क्या था कि नेगेटिव में काफी नेगेटिव बहुत ज्यादा आई, लेकिन जब भी मैंने ई बायोटोरियम ज्वाइन किया और ई बायोटोरियम में फर्स्ट मंथ में मैंने लगभग 1,15,000 का पेआउट लिया फर्स्ट मंथ में, तो मैं चांस नहीं नेगेटिव होने का, मतलब मेरा अंदर का कॉन्फिडेंस बाहर आ गया। एक्चुअली रीजन क्या था कि मैं मानता हूँ कि हर बीज में ताकत है पेड़ बनने की, हर बीज में ताकत है पेड़ बनने की, अगर सही जमीन में उगाया जाए, सही जमीन में बोया जाए, राइट। अब होता क्या था, मैं था एक छोटा सा पौधा, मुझे से पौधे को क्या मिला, गमला मिला, अब गमले में जितना मैं बढ़ सकता था उतना बढ़ गया मैं, लेकिन अगर मुझे जमीन में लगाया होता तो मैं पेड़ बनता, और जमीन थी ई बायोटोरियम, मैं पेड़ बन गया, सिंपल जी सर। अच्छा एक बात, एक सवाल और है मेरा, व्यूवर्स का भी है, और बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो यही सपना देखते हैं, क्या आपने इतना पैसा कमाया तो क्या आपने अपने जीवन को भी थोड़ा बदला, मतलब आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, कार वार परचेज की या कुछ, मतलब एक्स्ट्रा जो ऐसा जो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करता हो, क्या ऐसा कुछ किया सर आपने? एक्चुअली मेरा काफी टाइम से मेरा ड्रीम था कि मेरा खुद का एक ऑफिस हो, अच्छा ऑफिस में एसी हो और कार हो खुद की, है ना, अच्छे मैं ड्रेस पहनूं और मैं मतलब कि बाइक कार से नीचे ना उतरूं, ये मेरा ड्रीम था, और जो कि 6 साल पूरा नहीं हुआ, बड़ी मेहनत करी मैंने, लेकिन ई बायोटोरियम में आने के बाद फरवरी मैंने काम स्टार्ट किया जी सर, और लगभग अगस्त महीने में मैंने ऑफिस में एसी भी लगवा ली, ऑफिस में मेरा बहुत अच्छा रेडी कर दिया, साथ में मैंने खुद ही सपनों की कार भी ले ली। हाँ मैं नहीं बोलूंगा मेरी ड्रीम कार है, बहुत बड़ी कार है, लेकिन वो एक मिडिल क्लास फैमिली की फर्स्ट कार है, वो मेरी पहली कार आखिरी कार नहीं है, तो मैंने कार ले ली है, और अगस्त महीने से अभी दिसंबर आ गया है, मैं कार से बाइक पर नहीं आया अब तक, मैंने एक दिन भी बाइक को नहीं चला, बाइक को टच नहीं किया, मैं कार में लगातार कार मेंटेन कर रहा हूँ। उसका रीजन है बहुत सारे लोग कार ले आते हैं लेकिन मेंटेन नहीं कर पाते, लेकिन अपने प्लान में पैसा इतना आता है कि यार मेंटेन हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा एक और मेरे को ना सवाल था, ये मेरे अंदर का सवाल था एक्चुअली जी जी। अच्छा लोग एक मतलब आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि विजय भाई आप अच्छा बोलते हो इसलिए कर गए, अच्छी क्वालिटीज है इसलिए कर गए, क्या आपकी टीम में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटीज नहीं है फिर भी उन्होंने अच्छा पे आउट उठाया हो? सवाल आपका बहुत बढ़िया है। पहली बात मैं अच्छा नहीं बोलता, उसका रीजन मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, आधी बातें ऊपर से निकल जाती है और कुछ वर्ड में खा जाता हूँ खुद में, है ना, तो मेरी मतलब वॉइस जो है मेरी इतनी अच्छी नहीं है, प्रोनाउंसिएशन मेरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अब बात करें मेरी टीम में तो मुझसे भी अच्छी क्वालिटी के लोग हैं, मुझसे नॉर्मल क्वालिटी के लोग भी हैं और अचीवमेंट बहुत सारे हैं। मैं क्या ना बताऊँ आपको, एक मेरी टीम में कमलेश मैम है, उनको लगभग 6 महीना हुआ है और 6 महीने का उनका जो पेआउट है वो लगभग 6,15,000 रुपये है। मेरी टीम में क्लासी राशि मैम है, उनको लगभग उनको भी 6 महीना हो गया, उनका पेआउट लगभग 4.5 लाख रुपये का है। ऐसे करके एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, है ना, पर मुकेश जी आप भी तो मेरी टीम में है, 2 महीने आपको भी हो गया, कितना 2 महीने में मैंने 1,60,000 रुपए का इंसेंटिव उठाया। दो महीने में 1,60,000 पार्ट टाइम में तो ठीक ही है। हाँ हालांकि 80,000 रुपए का इंसेंटिव पहला कभी फर्स्ट टाइम में तो कभी कोई कंपनी में रह भी नहीं आता। एक्चुअली सर बताऊँ मैं कि जितने भी आप लोग सुन देख रहे हैं, आपने जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी देखी है सुनी है, किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में शुरुआत के 1 महीने में पेआउट होता है 700, 800, 1500, 2500, आज आप अच्छे लीडर है तो 4500, 4700, 5500 रुपए इतना ही आता है। लेकिन पहली बार जब मुझे 1,15,000 रुपए आया तो मैं खुद भरोसा, मुझे
भरोसा नहीं, मुझे ही आया कि किसी और को आया क्योंकि मैं मतलब कोई बड़ी प्लानिंग नहीं थी मेरी, मेरे को बिल्कुल भी बड़ी प्लानिंग नहीं थी, मैंने बस स्टार्ट किया था और मैंने इस डर से शुरू किया था कि लोग क्या कहेंगे। हाँ हाँ। क्योंकि जब भी नेटवर्क मार्केटिंग में हम कंपनी बदलते हैं तो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिविटी करते हैं, लोगों को फेस करना मुश्किल, फेस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने कहा यार 4 साल मैंने दिए हैं कंपनी में और अब मैं बदलता हूँ तो गलत क्या यार, 4 साल बाद बदल रहा हूँ, कौन से चौथे महीने बदल रहा हूँ मैं, तो मैं मंकी लीडर नहीं हूँ मैं कि हर तीसरे महीने में बदलू। ऐसे हमारे पाले में बहुत सारे लीडर हैं लेकिन एक्चुअली मैं 4 साल देने के बाद मुझे लगा कि मेरी सफलता वहां पे नहीं है और वहां भी मैं अचीवर था, ऐसा नहीं मैं वहां पे फेलियर था, वहां भी मैं अच्छा अचीवर था लेकिन उस कंपनी में कोई 1 लाख इनकम था ही नहीं बिल्कुल। तो मुझे लगा जब कोई 1 लाख इनकम पर नहीं है तो मेरा भविष्य कहां से बनेगा। लेकिन जब ई बायटर्म आया ना तो यहाँ पे मैंने देखा हर आदमी पैसा कमा रहा है, यहाँ पे तो 2 लाख 3 लाख कमाने वाले को वैल्यू नहीं है, यहाँ पे आम बात है। और हम दूसरी कंपनियों में 25,000 कमाने में भी लोग ना उसका स्वागत करते हैं अच्छा खासा स्टेज पर। एक होता है एक प्रॉब्लम पे काम करने वाले प्रोडक्ट में ऐसा पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। मैं मानता हूँ कि देखो हर चीज मायने रखती है, कंपनी का प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है, प्लान भी इंपॉर्टेंट है, प्लान दिखाने वाले लीडर भी इंपॉर्टेंट है। हमारा जो प्लान का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा है, वैसे सारे प्लस पॉइंट ही है लेकिन एक चीज है हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल यूनिक है क्योंकि 26 सालों में जितने भी प्रोडक्ट कंपनियां मार्केट में आई है जो आ रही है अब तक हमने जो भी देखा है, हमने देखा कि किसी भी प्रोडक्ट ने कोई किसी भी कंपनी ने इन्वेंशन कुछ नहीं किया, सब कुछ वही सेम है। आप भी तेल शैम्पू बेच रहे हैं, हम भी तेल शैम्पू बेच रहे हैं, वो तुलसी बेच रहा है, वो वही एलोवेरा जूस बेच रहे हैं, नोनी बेच रहे हैं, यानी कोई यूनिक आइटम नहीं है, वही प्रोडक्ट स्टिकर लगा लगा के सब लोग अलग अलग प्राइस बेच बेच रहे हैं लेकिन यूनिक आइटम कोई 120 का बेच रहा है, कोई 180 का बेच रहा है। अब होता सर क्या कि अगर मान लो किसी देखो कोई मैं मानता हूँ कि कोई भी कंपनी पैसा देती है तो वो देती है प्रोडक्ट बेचने से नहीं, उस प्रोडक्ट के द्वारा जो टर्नओवर कंपनी में आता है, यानी आपने जो टर्नओवर किया है पूरे महीने में उसके अकॉर्डिंग आपको पेआउट मिलता है। लेकिन जहां पे प्रोडक्ट 120 वाले हैं, 30 रुपए के साबुन है, 460 रुपए का कोई पेस्ट वगैरह है, वहां पे 1 लाख का टर्नओवर करने में बहुत वक्त लगता है अपने को, ठीक है, क्योंकि दिक्कत रहती है बारीक प्रोडक्ट। हाँ, क्योंकि एक बंदे से मिलोगे 500 का प्रोडक्ट लेगा, दूसरे से मिलोगे 700 का प्रोडक्ट लेगा, ऐसे करके आपको पूरा महीना निकालने के बाद भी टर्नओवर निकलता है 25-30 हजार रुपए का। यहाँ पे हर तीसरे चौथे दिन टर्नओवर आता है 1 लाख रुपए का क्योंकि हमारा प्रोडक्ट कितना बेहतरीन है। और होता है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट सर, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट है। क्योंकि हम क्या बोलते हैं, हर कंपनी बोलती है सुबह खाली पेट उठो, ये पियो वो पियो, ये जूस लो वो लो, ये करो, हम बोलते हैं कुछ नहीं करना है सर, सोते हैं सोते रहिए, आप पानी पीते हैं पानी पीते रहिए, बस करना क्या है आपकी पानी की बोतल जो है ये वाली इस बोतल पे कवर ऐड करना है इस टाइप से, कोई भारी काम तो नहीं ना, वो तो बिल्कुल इजी है, बड़ा कर रहे हैं। उसके अलावा बिस्तर पे सोता ही है, हमारे बिस्तर अपने बिस्तर में ऐड कर लो, सोना शुरू कर दो, बिस्तर चलेगा 20 साल, यूज करते रहिए, सिंपल। अच्छा विजय सर मेरा एक नया सवाल है आपके बीच में, जब आप हमारे कंपनी के ग्रेट CMD डॉक्टर सागर जोशी सर से मिले तो आपको क्या लगा उनसे मिलने के बाद, क्योंकि मेरी मुलाकात नहीं हुई अभी तक जी। एक्चुअली मुझे मेरे अपने मेंटोर से तो मुलाकात हो गई, विजय सर अजय सर इन सब से मुलाकात हुई, लेकिन मैं CMD सर से मिलना चाहता हूँ, अभी भी नहीं मिल पाया। हाँ एक सेमिनार अटेंड किया है, तो आपने जो मिला तो थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस मेरे साथ और व्यूवर्स के साथ मतलब कि मैं आपको क्या बोलूँ कि आपने जो सवाल पूछा ना उसका आंसर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हाँ। जिस दिन आप मिलेंगे ना मैं सवाल आपसे पूछूंगा कैसा लगा क्योंकि तो आप यकीन नहीं मानेंगे 6 साल की जर्नी मेरी। हाँ। 6 साल में मैं लगभग 2-3 कंपनी के MD से मिल चुका हूँ। हाँ। साथ में काम भी किया है, बाइक में घूमे भी हम लोग, है ना। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो सागर जोशी से मिलने के बाद जो फीलिंग आई ना, मैं इतना ही बोलूंगा आग लग गई थी। और सागर जोशी यहाँ है मेरे, एक्चुअली सागर जोशी से मिलने के बाद में मुझे लगा मेरी लाइफ चेंज हुई है। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है उनसे मिलने के बाद मालूम चला एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो तो छोटा सा ऑडियो सुनाता हूँ। मेरा फोन देना मनीष जी। एक्चुअली क्या होता कि जब मैं लगभग स्टार्ट किया था ई बायटोरियम तो स्टार्ट करते ही फर्स्ट मंथ कंप्लीट हुआ था और फर्स्ट मंथ कंप्लीट होते ही मैंने लगभग 1 लाख रुपए का पेआउट लिया था। मैंने 1 लाख का पेआउट लिया था और फिर 1 लाख का पेआउट लेने के बाद मेरे जो अपलाइन है जी सर वो हेड ऑफिस गए थे और मैं रास्ते में था, मैं बाय ट्रेन हेड ऑफिस आ रहा था। तो 1 लाख कंप्लीट करने के बाद में मैंने सर को बोला था कि सर मैं हेड ऑफिस में पैर रखने से पहले अपना 1 लाख का पेआउट ले लूंगा। तो सर ने मुझे विश किया, MD सर ने जिग्नेश सर के द्वारा मुझे विश किया, और वो ऑडियो मैं आज भी संभाल के रखता हूँ। अच्छा। और आप यकीन नहीं करेंगे मैं उस ऑडियो को आज भी संभाल के रखता हूँ और सुनता रहता हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत खुशी मिलती सर को सुन करके। मैं आपको ऑडियो सुनाना चाहता हूँ, सुनना एक बार ऑडियो क्या सर का। मैं सागर कुमार जोशी बोल रहा हूँ। आपका 1 लाख रुपए कमिट जो आपने कमिटमेंट किया था उस हिसाब से आपने पूरा किया, उसके लिए मैं आपका बधाई करता हूँ, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। बस इसी तरह से बढ़ते रहो, अगर आपने 1 महीने में 1 लाख रुपए लिया है तो आप रोज का भी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, मिलते बहुत जल्द, थैंक यू वेरी मच। अब जो सर ने बोला है ग्रेट ग्रेट कि आप एक महीने में 1 लाख रुपए लिया ना तो आप पर डे 1 लाख ले सकते हैं, मुझे बस सर की बात सच करनी है, मेरा इतना ही बोल है। अच्छा विजय सर जी, आपको जो मतलब हमारे अप्लाइंस हैं जो बाकी मैं तो अभी मिल लिया तो मुझे भी बढ़िया लगा उनसे मिल के, उनकी मेंटोरशिप में काम करके कैसा लगा, हमारे अजय सर, जिग्नेश पटेल सर, मितेश मेहता सर?
एक्चुअली जितने भी लीडर है ना सब यूनिक है। एक्चुअली जो मेरा पास्ट रहा है ना उसका रीजन क्या है कि मेरे जो भी अपलाइंट थे उन अपलाइंट की सोच बहुत पुअर थी, सोच बहुत छोटी, मतलब एमएलएम में आने के बाद भी सोच बिल्कुल छोटी उनकी, और उन्हीं के साथ रह रहे मेरी भी सोच छोटी हो गई। मुझे भी लगा था कि मेरे औकात बस 50-60 हज़ार की ही है महीने की, लेकिन जब मुझे जब मैंने ई बायोटर्म आया ना तो जब मुझे अपलाइन मिले अजय सर, जिग्नेश सर, मितेश सर, जो मुझसे मिलते हैं ना मिलते ही बोलते विजय भाई करोड़पति बनना है, और मजे की बात है उन्होंने मेरा नाम भी सेव कर रखा है करोड़पति विजय शुक्ला। आप समझना, मैं मानता हूँ कि सोनू शर्मा की बात, सोनू शर्मा की सर की एक बात याद आ गई कि संगत का असर होता है, और बात फैक्ट है, संगत बदलने से ही आज मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो सही अपलाइन चुनना बहुत जरूरी है आपके लाइफ में, सही अपलाइन, सही मेंटर होना बहुत जरूरी है। तो उसका फायदा मिला मुझे, हमने तो एकदम सही अपलाइन चुन लिया विजय भाई। अच्छा एक और सवाल था, और विजय सर से मेरी, मैं व्यूवर्स को बता दूं मेरी बहुत पुरानी दोस्ती थी, हम 2 साल से एक दूसरे को जानते थे, फिर शुरुआत कहीं ना कहीं देखो एक टाइम आता है जब डिसीजन लेने होते हैं, और कड़वे डिसीजन वही ले पाता है जो जिंदगी में कुछ करने का रखता है। बिल्कुल, मेरा अंतिम और आखिरी सवाल है सर इस सेशन का, और व्यूवर्स ने मुझे लगता है काफ़ी हमारे इस वीडियो से काफ़ी लोग कनेक्ट कर पाए हैं जी, और अंतिम सवाल जो है मेरा व्यूवर्स के लिए है, क्योंकि देखो कुछ फ़ायदा मेरे, मैं हमेशा इनके लिए ज़रूर सोचता हूँ, जरूरी है, क्योंकि ये लंबे टाइम से मेरे साथ कनेक्टिविटी रखते हैं, मेरे वीडियोज़ को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, और अभी भी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के बीच में शेयर करने वाले हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं जो जानकारी देता हूँ तो ये ज़रूर पढ़ते हैं। तो मैं लास्ट सवाल जो है मेरे व्यूवर्स के लिए और प्यारी टीम के लिए, कि जो हमारे YouTube के व्यूवर्स हैं उनको एक अल्टीमेट क्या मैसेज देना चाहोगे जिनसे उनका बिजनेस बढ़ने लग जाए? देखो तो मैसेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो ई बायोटोरियम अपॉर्चुनिटी है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप समझना कि इस प्लान के अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे डेली पेआउट मिलता है, आप रोजाना बहुत बड़ा पेआउट ले सकते हैं, लोगों ने लिया मेरी टीम के अंदर। तो मैं बोलूंगा कि आप मुकेश जी के संपर्क में रहिए, एक्चुअली मुकेश जी आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छा गाइड करते हैं, और हमारा एक ग्रुप है टीम फ्यूचर मिलेनियर, आपने सुना होगा TFM, यानी टीम फ्यूचर मिलेनियर, उसके बारे में विशेष वीडियो भी डाल रहे हैं, डेफिनेटली अपन बात करेंगे उसके ऊपर। तो मुकेश जी जो है मेरी टीम के बहुत अच्छे लीडर हैं, और इन्होंने एक्चुअली सारा काम संभाला सोशल मीडिया का, और सारे व्यूवर्स आपके संपर्क में ऐसे भी हैं, तो मैं बोलूंगा कि कुछ भी करो बस इनको फॉलो करो, इनको फॉलो करोगे बहुत बड़ा पैसा आप कमा लेंगे, बाकी हम आपके साथ ऐसे भी है ही हैं। बिल्कुल, बस बिल्कुल फॉलो कराओ सर उनको आप। विजय सर जो आज आपने हमारे इन व्यूवर्स को जो बताया जान के बहुत अच्छा लगा, और बाकी एक दो वीडियोस और आने वाले हैं जो आपको बैक टू बैक देखने को मिलेंगे। तो आज के सेशन को एंड कर दिया जाए या कुछ अल्टीमेट कुछ और ऐसा मैसेज जो एक बार अगेन बता दो विजय सर, आपने 9 महीनों में कितनी अर्निंग की? क्योंकि लोग ना पैसे से बड़े मोटिवेट होते हैं। एक्चुअली मैंने 9 महीने में 22.5 लाख कमाए हैं, और अभी भी बोलो किसी को डाउट हो तो मेरा नंबर दे देना डिस्क्रिप्शन में, मुझे व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेजना, मैं आपको सारा स्टेटमेंट भेज दूंगा। ये मुझे पता है इस कमेंट करने वाले हैं बहुत सारे कांडी लोग होंगे इस ग्रुप के अंदर, तो कमेंट करेंगे बोलेंगे अरे फर्जी है इतना पेआउट नहीं आया, तो टेंशन मत लीजिए, आप मुझे मेरा नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको स्टेटमेंट भेजता हूँ, स्टेटमेंट देखने के बाद अगर आपको लगे रियल में आया है तो आप मुकेश जी से ज्वाइन कीजिए, हम डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल विजय सर, आज आपके साथ कनेक्ट होकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।